hello dear students so we were continuing uh, we were doing the chapter of median and let's uh, continue with the same concept of median but uh, with different type of questions so students this is my 22nd video sometimes what happens that uh, it is uh, difficult for us to remember all the video numbers it gets uh, Sometimes uh, wrong or accurate uh, video numbers are not uploaded. So please pardon about all these things. Uh, so, here is one question what I have written is calculation of median in cumulative frequency series. See, the question is given like this that in the concept of less than or more than. jabi question. लेस देन और मोर देन के हिसाब से आता है और कैलकुलेट करना है मीडियन तो हम इस तरह से इसे कैलकुलेट करते हैं सी वी मेक थ्री कॉलम्स द फर्स्ट इज क्लास इंटरवल सेकेंड इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड इज फ्रीक्वेंसी यहाँ आप देख रहे हो कि लास्ट नंबर है टेन सो वी स्टार्ट विद दिस टेन वॉट इज दिस क्लास इंटरवल आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये लेस देन है आप जब भी अपना क्लास इंटरवल बनाओगे तो आप कहोगे लेस देन टेन सबसे पहले लेस देन टेन है तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जीरो से टेन के बीच का नंबर लेस देन टेन में आएगा नेक्स्ट इज टेन टू ट्वेंटी मीन्स दस से बीस के बीच में बीस से तीस से के बीच में तीस से चालीस के बीच में इस प्रकार से हम अपना क्लास इंटरवल बनाते हैं लास्ट नंबर वॉज एट्टी एट्टी जब आता था तो लेस देन एट्टी अस्सी से कम तो जब ये लास्ट इंटरवल आता है हमारा सत्तर से अस्सी मतलब सत्तर से सेवेंटी नाइन कहते हैं लेस देन ठीक है तो इस तरह से हम लोगों ने अपना क्लास इंटरवल बनाया है अब हम देखेंगे हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी मोर देन और लेस देन का क्वेश्चन होता है तो हम पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं बाद में हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसीज की तो क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से है कि चूंकि हम लोगों ने पीछे से स्टार्ट किया है हम लोगों ने छोटे से बड़े के क्रम में स्टार्ट किया है इसलिए हमें पीछे से ही अपनी सी एफ जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो लिखनी होगी दैट इज फाइव थर्टीन ट्वेंटी थर्टी टू सिक्सटी एट्टी नाइन्टी एंड हंड्रेड नाउ वी हैव फ्रीक्वेंसी हाउ वी विल कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी हम फ्रीक्वेंसी में माइनस करते जाते हैं चूंकि फाइव से ऊपर कुछ भी नहीं है तो फाइव लिखेंगे अब यहाँ थर्टीन माइनस फाइव जब आप करोगे तो एट आएगा ट्वेंटी माइनस थर्टीन आप करोगे तो सेवन आएगा थर्टी टू माइनस ट्वेंटी करोगे तो ट्वेल्व आएगा सिक्सटी माइनस थर्टी टू करोगे तो ट्वेंटी एट आएगा एट्टी माइनस सिक्सटी करोगे तो ट्वेंटी आएगा नाइन्टी माइनस एट्टी करोगे तो टेन 10 आएगा एंड हंड्रेड माइनस नाइन्टी करोगे तो टेन आएगा अब हम आते हैं अपने कैलकुलेशन की तरफ एम इज इक्वल टू साइज ऑफ एन बाई टू एथ आइटम तो हमारा साइज क्या है साइज है हमारा हंड्रेड हंड्रेड बाई टू एथ दैट इज फिफ्टी एथ तो हमें देखना है कि इस फ्रीक्वेंसी में या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फिफ्टी कहाँ आएगा तो हम देख रहे हैं कि इस यहां तो थर्टी टू ही है यहां सिक्सटी है मीन्स हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में हमें चेक करना है कि हमारा कौन सा आइटम में कौन से क्लास इंटरवल को चूज करेंगे नाउ वी हैव एम इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू माइनस एल वन बाई एफ एम माइनस सी ये फॉर्मूला आपको रट लेना होगा क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट वे ऑफ कैलकुलेशन मीडियन है सबसे पहले हम देखेंगे इसमें लोअर लिमिट कौन सा है लोअर लिमिट है फोर्टी 50 minus 40 by frequency is what is our frequency is 28 so we have written 28 and M is 50 and C is just above this number cumulative frequency so M minus C what we get 14 plus 10 by 28 into 18 when we calculate we get 40 plus 6.4 that is answer is median is 46.4 फोर सो मीडियम इज फोर्टी सिक्स पॉइंट फोर होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड जब हम इस तरह के को अटेम्प्ट करते हैं लेस देन और मोर देन तो हम सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाते हैं छोटे से बड़े के क्रम में चूंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी रहती है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है फिर जो फॉर्मूला है एन बाई ट हम कौन से क्लास इंटरवल में है ये पता करते हैं और फिर फॉर्मूला पुट करके हम आंसर को कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज कैलकुलेशन ऑफ मीडियन कैलकुलेशन ऑफ मीडियन व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन सी व्हाट इज द क्वेश्चन मिड वैल्यू यहां पे ना क्लास इंटरवल है ना लेस देन है ना मोर देन है यहां मिड वैल्यू से क्वेश्चन दिया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है जब भी इस तरह का सवाल आता है मिड वैल्यू से शुरुआत करती है तो हमें सबसे पहले क्या करना है मिड वैल्यू लिखना है और क्लास इंटरवल तैयार करनी है फिर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे एंड सी एफ लिखेंगे जब मिड वैल्यू पांच होगा तो इट्स ऑब्वियस कि आपका क्लास इंटरवल जीरो टू टेन के बीच में होगा तभी तो बाई टू करेंगे तो फाइव आएगा फिफ्टीन है तो ट्वेंटी प्लस टेन बाई टू करेंगे तो फिफ्टीन आएगा तो इस तरह से हम क्लास इंटरवल बनाते हैं कैसे मिड वैल्यू को देखकर अब है फ्रीक्वेंसी दी हुई है फाइव सिक्स नाइन सिक्स टू वन अब हमें क्या कैलकुलेट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन में आपको याद होगा हम लोगों का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी थी फ्रीक्वेंसी जब निकालते हैं तब माइनस करते हैं एंड जब फ्रीक्वेंसी से सी बनाते हैं तो हम प्लस करते हैं इसमें हम प्लस कर रहे हैं फाइव से ऊपर कुछ नहीं है इसलिए uh, अब हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे n 2th 29 2th, हम यहाँ चेक करेंगे फोर्टीन में आएगा तो हम देख सकते हैं कि हमारा फोर्टीन चूंकि सी एफ यहां ट्वेंटी है और यहां इलेवन है तो इलेवन के बाद ही आएगा फोर्टीन तो हमारा मीडियन कहीं ना कहीं इसके बीच में छुपा हुआ है आप देख रहे हो फॉर्मूला में हम पुट करेंगे क्योंकि मीडियम क्लास जो है वो 20 से 30 के बीच में है तो हम लोअर लिमिट लेते हैं 20 लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस जो है वो क्लास इंटरवल कहलाता है वो है 10 बाय फ्रीक्वेंसी इज आवर नाइन, ये फ्रीक्वेंसी इज आवर नाइन एम हो गया दिस फोर्टीन पॉइंट फाइव एंड जस्ट उसके ऊपर हो गया इलेवन दैट इज योर सब्सट्रैक्शन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे सो आंसर विल बी ट्वेंटी थ्री पॉइंट एट नाइन तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड थैंक यू स्टूडेंट्स